हेलो स्टूडेंट, मैं वीके सिंह द सीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं सभी का वेलकम करता हूँ। आज मैं आपकी क्लास सोलूशन के एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करूँगा। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने सोलूशन के कुछ पॉइंट देखे थे, जो कि थे कंसंट्रेशन ऑफ सोलूशन, यानी कि सोलूशन को मेजरमेंट करने के कुछ प्रोसेस होते हैं, उन्हें कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोलूशन। ठीक, तो उन्हीं टॉपिक को आगे की ओर ले जाते हुए मैं उन्हीं पे आज कुछ क्वेश्चन करूँगा। ऐसा तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6O2 इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाई मास। तो इसका मतलब क्या है कि एक, तो जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का बेसिक मतलब क्या कहता है कि 100 ग्राम का सोल्यूशन है इथाइलिन ग्लाइकॉल और वाटर का, जिसमें कि इथाइलिन ग्लाइकॉल 20% बाई मास के बेसिस पे है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल है और 80 ग्राम हमारा वाटर है। तो मैंने कहा जैसे कि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, कोई इथाइलिन ग्लाइकॉल और वाटर का सोल्यूशन है जिसमें कि 20 ग्राम हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल है और 80 ग्राम में वाटर है। तो फर्स्टली हम सबसे पहले इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल्स, इसके मोल के मास को कैलकुलेट करेंगे, जो कि आते हैं 62 ग्राम पर मोल और वाटर के 18 ग्राम, जो कि हम जानते हैं। तो सब फर्स्टली हम सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक, मोल निकालने के हम बेसिक फॉर्मूले को हम जानते ही हैं, मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर मास। तो अब फॉर्मूला में अप्लाई करते हुए सबसे पहले इसे हम काउंट करते हैं, अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। जो फॉर्मूले में वैल्यू रख के पुट करते हैं, 20 ग्राम इसका वेट है और 62 ग्राम इसके मोल्स हैं, तो सॉल्व करते हैं तो 0.322 मोल आसान आते हैं। ठीक, सिमिलर हम वाटर के मोल कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो वाटर के अमाउंट होते हैं 18 ग्राम और इसके मोलर मास आते हैं 18, सॉल्व करते हैं तो 4.44 मोल्स आ जाते हैं। ठीक, अब जो कि हम जानते हैं द मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकॉल कैलकुलेट करते हैं, तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल अपॉन सोल्यूशन के टोटल मोल्स, जो कि हम कैलकुलेट करके लाते हैं और फिर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो आते हैं हमारे इस तरीके से, ये हमारे इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल हैं ये और सोल्यूशन के सारे मोल्स। जब इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन आता है 0.068 आता है। अगर हम वाटर के मोल्स कैसे निकालेंगे, उसी फॉर्मूले में वाटर्स के मोल्स अपॉन सोल्यूशन के टोटल मोल्स जब रख के सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 0.932 आती है। ठीक, तो इस तरीके से सोल्यूशन के हमने दोनों मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लिया, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल फ्रैक्शन आ गया 0.068 और वाटर का 0.932। ठीक, एक और इसका शॉर्टकट फॉर्मूला आता है कि अगर किसी सोल्यूशन का हमें एक का मोल फ्रैक्शन फाइंड हो जाए, तो किसी एंथर का फोन करने के लिए हम करते हैं उस मोल फ्रैक्शन को 1 में से सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो इस एक अदर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाता है, क्योंकि बिकॉज दोनों का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू यूनिटी होती है इस वजह से। ठीक, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, एक कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि एक 5 ग्राम NaOH को 450 ml में डिसॉल्व कर देते हैं, यानी कि 5 ग्राम NaOH को हम 450 ml वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, तो सोल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। तो सब यानी कि सोल्यूशन की मोलरिटी हमें फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम वाटर्स जो इंक्लूड हुआ है, यानी कि जो NaOH सोल्यूशन के मोल्स कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट ऑफ NaOH 5 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन 450 ग्राम। ये सारी वैल्यू गिवेन हमारी, ये गिवेन है, तो मोल्स फाइंड कर लेंगे NaOH के। तो NaOH के मोल्स फाइंड करने के लिए हम करते क्या है, अमाउंट ऑफ NaOH इन ग्राम जो कि 5 ग्राम है, और साथ ही साथ उसके हम लोग यहाँ पे लिखा होता है उसके मोलर मास, यानी कि 40 होते हैं। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH सोल्यूशन इज 1 लीटर। ये बेसिकली ये मोल्स नौ के ये मोलरिटी के फॉर्मूले होते हैं, जिससे बेसिकली कहते हैं मोलरिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू अमाउंट, मोलरिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू, फर्स्टली हमने देखा कि NaOH के जो अमाउंट 5 ग्राम आते हैं, वॉल्यूम सोल्यूशन का 450 ml है। तो मोलरिटी के लिए फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन NaOH इन 1 लीटर। ठीक, अब सारे वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो फर्स्टली
जब एन ओ एच की मोलरिटी फाइंड करते हैं तो एन ओ एच की मोल्स फाइंड करते हैं। मोल्स के लिए क्या करते हैं, 5/40 जो 40 का मोलर मास है, और 450 में 1000 से डिवाइड करते हैं क्योंकि इसे लीटर में कन्वर्ट करना होता है। जब सारी वैल्यू रख के हम सॉल्व करते हैं तो मोलरिटी आती है 0.278। तो थर्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे, कैलकुलेट द मोलैलिटी, ध्यान रखना कि ये मोलैलिटी है नॉट मोलरिटी, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड को जिसे हम इथेनोइक एसिड कहते हैं उसे हम 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व कर देंगे तो उसकी मोलैलिटी क्या होगी। तो यानी कि मोलैलिटी फाइंड करनी है, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम इसके अमाउंट हम हाँ फर्स्टली एसिटिक एसिड के यानी इथेनोइक एसिड के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ इथेनोइक एसिड 2.5 ग्राम गिवेन है, जो कि इसके मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे तो 60 ग्राम पर मोल्स आ जाएंगे जो कि हम इससे अप्लाई करते हैं, और अमाउंट ऑफ बेंजीन जो कि गिवेन है 75 ग्राम। ठीक, अब इसके मोल्स फाइंड करेंगे के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ इथेनोइक एसिड इन ग्राम अपॉन उसका मोलर मास जो कि 2.5 गिवेन है, और इसके मोलर मास 60 हो जाते हैं। जो सॉल्व करते हैं तो 0.0417 आ जाते हैं। ठीक, अब बेंजीन का मास कैलकुलेट करेंगे 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम में, तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं जो कि वैल्यू आती है 75 × 10⁻³ ग्राम केजी सॉरी। तो अब हम इसके मोलरिटी के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड अपॉन अमाउंट ऑफ बेंजीन इन केजी। ये दोनों वैल्यू को रखें जब यहाँ सॉल्व करते हैं तो मोलरिटी की वैल्यू आ जाती है 0.556 मोल पर केजी। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, इफ़ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, ठीक, हाउ मच मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। एज्यूम डेट नाइट्रोजन एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 bar गिवन डेट हेनी लॉ कॉन्स्टेंट फॉर नाइट्रोजन एट 293 केल्विन इज 76.48 bar। मीन्स कहना चाह रहा है कि नाइट्रोजन गैस जो कि वाटर के बबल्स में वाटर में बबल्स हो रही है तो उसके मोल फ्रैक्शन यानी कि एक तरीके से हम फाइंड कर लें तो नाइट्रोजन गैस के कितने मिनी मोल्स उसमें डिसॉल्व हैं। तो फर्स्टली हम करते क्या हैं, हम सॉल्विलिटी को देखते हैं, द सॉल्विलिटी ऑफ गैस इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन इन एक्वा सोल्यूशन। ठीक, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन इज कैलकुलेट बाई अप्लाई हेनरीज लॉ, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन है सबसे पहले नाइट्रोजन गैस की हम उसको हेनरीज लॉ से पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो हेनरीज लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH × x वेयर x इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो उसे हम रिप्लेस करते हुए यहाँ ले आते हैं, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे PN2/KH। तो इसके पार्शियल प्रेशर गिवेन है और हेनरी कॉन्स्टेंट भी गिवेन है, तो हम ये वैल्यू पुट करके फाइंड करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट हो गया आता है 1.29 × 10⁵। मेथड से हमने पहले नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किए हेनरी प्रिंसिपल से, अब हम एक मोल फ्रैक्शन वाले प्रोसेस अप्लाई करके दोनों दो तरीके से मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। तो एज 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन 55.5 मोल्स ऑफ इट, सो देयरफॉर इट इज एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स इन N2 इन सॉल्यूशन, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज, यानी कि 1 लीटर वाटर में 55.5 मोल्स होते हैं। ठीक, तो यानी कि अगर उसमें n मोल सॉल्युबल रहा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू दिस मेथड x n2 गिवन n मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन n मोल्स इनटू 55.5 मोल्स। जब सॉल्व करते हैं तो आते हैं मोल फ्रैक्शन इक्वल टू x n2 इक्वल टू n अपॉन 55.5। इस कैलकुलेशन में हम एक चीज़ देखें, एक पॉइंट देखेंगे कि इसमें n को निगलेक्ट कर दिया गया कि अगर सॉल्वेंट का अमाउंट एक्सेस एज कम्पेयर टू सॉल्यूट तो उसे हम सॉल्यूट को इग्नोर कर देते हैं जो कि हमने यहाँ लिखा है, इफ़ n इज डिनोमिनेटर इज निगलेक्टेड एज इट इज लेस देन, अगर n काफ़ी लेस है तो इसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो हम इसे फिर देखते हैं n इजकल टू 1.29 × 10⁵ × 55.5 मोल। जब रखे वैल्यू सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू आ जाती है बेसिकली हम यहाँ कह लेंगे n इजकल टू तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 × 55.5 जो वैल्यू सॉल्व करके आती है ये, यानी कि n इजकल टू आ गया हमारा
7.16 इंटू 10^-4 पर मोल। ठीक, तो अब हम देखेंगे अगर इस मोल्स को मिली मोल में कन्वर्ट करना हुआ तो 10^-3 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये मिली मोल्स में कैलकुलेट होकर आ जाते हैं। इस तरीके से हमने देखा नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू 0.716 मिली मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन लेबोरेटरी वर्क इन 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन इक्वल सोल्यूशन। वाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ द सच ए सैम्पल द एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.54 ग्राम पर ml। तो क्वेश्चन का बेसिक मतलब क्या कहता है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन लेबोरेटरी वर्क इन 68% ठीक बाई मास। ठीक, यानी कि 68% हम नाइट्रिक एसिड जो कि लैब में यूज करते हैं बाई मास, यानी 68% नाइट्रिक एसिड होगा यानी बाकी रिमेनिंग 32 ग्राम हमारे वाटर होंगे। ठीक, तो सबसे पहले उसकी मोलरिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, नाइट्रिक एसिड का हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 63 आता है, आप जानते कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, और देन उसके मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, मोल्स इज इक्वल टू 68 यानी उसके वेट अपॉन उसका मोलर मास 1.079 मोल्स आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू गिवेन है ये, ठीक, तो वॉल्यूम 100 ग्राम में इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 100 ग्राम ग्राम सोल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे बाय दिस फॉर्मूला। वी नो डेट डेंसिटी इक्वल टू होते हैं मास बाय वॉल्यूम, तो रख के सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कितना। जब ये वैल्यू है 100 ग्राम में है तो 1 लीटर का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर में वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू आ जाती है 66.49 इंटू 10^-3 लीटर। एज वी नो डेट द मोलरिटी ऑफ एनओ सॉल्यूशन इक्वल टू मोल्स ऑफ HNO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी हमने फाइंड कर लिया वैल्यू पुट करके 1.079 अपॉन 66.49 इंटू 10^-3। इसको सॉल्व करने के बाद आगे मोलरिटी हमारे 16.23। ठीक, लेकिन इस मोलरिटी को हम जो हमने एक लंबा चौड़ा प्रोसेस अप्लाई किया उसमें शॉर्टकट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बता रखा है। इसका टू क्या होता है, ये मोलरिटी ऑफ HNO3 सोल्यूशन इक्वल टू ए परसेंटेज ऑफ HNO3 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 अपॉन मोलर मास। जब वैल्यू पुट करते हैं तो इस तरीके से हमारी आ जाती है मोलरिटी 16.23। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को यहाँ कंप्लीट करते हैं और अगली क्लास में राउल्ट्स लॉ को स्टार्ट करेंगे। राउल्ट्स लॉ को स्टार्ट करने के साथ ही हम न्यू टॉपिक को फिर से देखेंगे। थैंक यू।